हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोजी और आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे। आज मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाली हूँ और ये प्रोडक्ट है बॉडी बबल्स का प्योर लेवेंडर वाटर। ये एक स्प्रे मिस्ट है जो कि बॉडी मिस्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और फेस मिस्ट की तरह। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर दिया है मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, उस पर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कोई फोर्स नहीं है, अगर अच्छी लगे तभी लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग से। तो एक बॉटल है स्टिफ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, और यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट सेलो टेप की है, उसी पे सारी डिटेल्स लिखे हुए हैं। और ये जो बॉटल है वो ट्रांसपेरेंट है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि अंदर से जो टोनर का कलर होता है ना वो अच्छे से दिख के आता है और हमें पता भी चलता है कि हमारा कितना कंटेंट बचा हुआ है बॉटल में। तो ये स्प्रे बॉटल है और इस पर एक प्रोटेक्शन की कैप दी गई है, तो आराम से इसको लेकर के कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कभी ये आपका प्रोडक्ट लीक नहीं होगा। तो पैकेजिंग वाइज तो बहुत ही अच्छी है। अब आ जाते हैं ब्रांडिंग और इस पर क्या लिखा है, वो सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। तो वादी हर्बल्स, आपको पता होगा वादी हर्बल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको नायका पे मिल जाते हैं एक्सक्लूसिवली, और शायद अब ये अमेजोन वगैरह पे भी मिलने लगता है, बट ये नायका पे तो 100% मिलते हैं क्योंकि मैं सारे वादी हर्बल्स के प्रोडक्ट्स नायका से ही लेती हूँ। वादी हर्बल के कुछ प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे, इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला टोनर भी ट्राई करते हैं क्योंकि मेरा टोनर फिनिश हो गया था, मुझे न्यू टोनर चाहिए था, तो मैंने ये वाला टोनर ऑर्डर कर लिया था। और है तो वैसे ये डिस्टिल्ड वाटर और इसको फेस एंड बॉडी मिस्ट की तरह यूज़ करते हैं, इस पर लिखा हुआ है, बट मैंने इसको टोनर की तरह यूज़ करने के लिए लिखा हुआ था बिकॉज इस पर लिखा हुआ है 100% नेचुरल स्किन टोनर। तो मैंने इसको टोनर के लिए यूज़ करने के लिए, मतलब टोनर की तरह यूज़ करने के लिए लिया था। इसमें अब लेवेंडर का वाटर है, तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि लेवेंडर के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। जैसे मुझे तो पता है, आपको बताना पड़ेगा ना। तो अल्कोहल फ्री है सबसे पहला, लेवेंडर वाटर का बेनिफिट्स में लिखा हुआ है। आई डोंट नो अल्कोहल फ्री उसमें कैसे आया। अच्छा ठीक है, मतलब ये प्रोडक्ट में अल्कोहल नहीं है, पैराबिन नहीं है, कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है कि इम्प्रूव्स स्किन कॉम्प्लेक्शन, स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव करता है, मतलब आई डोंट नो गोरा कर देता है क्या, पता नहीं। बट टोनर मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मुझे गोरा होना था, मैंने टोनर लिया था कि क्योंकि गर्मियों में जो स्किन है बहुत डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तो टोनर जो है स्प्रे करने के बाद थोड़ी स्किन हाइड्रेटेड हो जाती है, अच्छी हो जाती है और थोड़ा ग्लो आता है स्किन से, तो इसलिए मैंने लिया था सिंपल टोनर का काम करने के लिए, ये नहीं कि कॉम्प्लेक्शन गोरा कर दे या कुछ भी। तो इसमें तो ऐसा लिखा हुआ है कि इम्प्रूव्स स्किन कॉम्प्लेक्शन, आई डिसएग्री विद दिस पॉइंट। एक टोनर का काम तो ये होगा भी तो भी ये नहीं करता, ये वाला टोनर कॉम्प्लेक्शन नहीं इम्प्रूव करता। डीपली हाइड्रेट्स एंड सॉफ्टन्स स्किन, तो हाइड्रेट करेगा जब स्किन को तो स्किन सॉफ्ट होगी, तो ये पॉइंट सही है। और प्रिवेंट्स स्किन एजिंग, ये पॉइंट का भी मुझे इस प्रोडक्ट में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं लगा। तो ओवरऑल बोले तो ये जो प्रोडक्ट है डिसेंट सा है, कुछ बहुत ज़्यादा टॉप वाला प्रोडक्ट नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा हो। इसमें इंग्रेडिएंट्स में है स्टीम डिस्टिल्ड एक्सट्रैक्ट ऑफ लेवेंडर फ्लावर, मतलब प्रोसेस होता है ना जैसे रोज़ वाटर बनाते हैं, रोज़ वाटर बनाने का प्रोसेस होता है कि पानी में बहुत सारे रोज़ के पेटल्स डाल देते हैं, उसके बाद उसको इवेपोरेट कराते हैं और जो स्टीम निकलती है उसको फिर कंप्रेस करके वाटर फॉर्म में लाते हैं और फिर वो टोनर बन जाता है, मतलब रोज़ का टोनर हो जाता है। वैसे लेवेंडर का भी बनाते होंगे, लेवेंडर के फूल को बॉयल करके और जो पानी बॉयल होकर के स्टीम बना उस स्टीम को फिर वाटर में कन्वर्ट करके। बट इसमें कलर एडेड है ऐसा मुझे लगता है बिकॉज पर्पल कलर जो है ये लेवेंडर का जो कलर, ये विदाउट कलर ऐड करने से नहीं आएगा क्योंकि स्टीम जो होता है उसका कोई कलर नहीं होता, हम सबको पता है। तो इसमें कलर ज़रूर एडेड है और ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि इसमें कलर एडेड है या नहीं है, इसमें बस इन्होंने लिखा है कि पैराबिन फ्री है, अल्कोहल फ्री है, वेगन है, बस कलर के बारे में नहीं लिखा हुआ, यानी इसमें कलर एडेड है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, डिसएडवांटेज है। दिखने में तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है कलर होने की वजह से, बट फेस के लिए अच्छा नहीं होता।
इस पे डायरेक्शन में क्या लिखा है ये पढ़ के बता देती हूँ। स्प्रे ऑन फेस एंड बॉडी एंड इवनली स्प्रेड इट ऑल ओवर। तो इसको स्प्रे करके यूज़ कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये भी लिखा हुआ है कि कॉटन के बॉल पे स्प्रे करके उसको स्वाइप कर सकते हैं अपने फेस पे या बॉडी पे, जहाँ भी यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं इसका एक एक बार स्प्रे करके दिखाती हूँ कि दिखता कैसा है। तो इसकी फ्रेग्रेंस जो है, वो लेवेंडर की है, जो कि 2-4 सेकंड के बाद पूरी इवेपोरेट हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं आती है इसकी स्मेल। तो ये अच्छा भी बोल सकते हैं, बुरा भी बोल सकते हैं। 2-4-10 मिनट के बाद तो आपको बिल्कुल पता भी नहीं चला गया कि आपने कुछ लगाया था। और टोनर भी ऐसा ही है कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपने टोनर यूज़ किया हुआ है। तो ये कुछ ज़्यादा इफेक्टिव टोनर नहीं है। वादी हर्बल्स के और बहुत सारे रेंज आते हैं, वेरियंट्स आते हैं टोनर के, तो वो ट्राई कर सकते हैं। बट ये लेवेंडर वाला जो मैंने ट्राई किया है, ये मुझे कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं लगा। इससे अच्छा हिमालय का टोनर था एटलीस्ट। वो ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो हाइड्रेट करता है स्किन को और वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये जो स्किन टोनर है, ये 10-15 मिनट के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई टोनर लगाया हुआ है। तो मेरा रिव्यू आज का ऐसा ही था, मिक्स्ड रिव्यू है। तो देख लीजिए आपको लेना है या नहीं लेना है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको टोनर लेना है तो आप अच्छा ले सकते हैं। इसका प्राइसिंग रह गया यार, प्राइसिंग मैंने नहीं बताया। तो ये 250 ml प्रोडक्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और ये आपको 155 rupees में मिलता है विथ 12 months की वैलिडिटी बोल सकते हैं, बिकॉज ये 12 month ओपन होने के बाद यूज़ कर सकते हैं आप। तो 155 rupees का है, बट नायका पे हमेशा कुछ ना कुछ ऑफ़र रहता है वादी हर्बल्स के साथ में, तो आप ऑफ़र पे ले सकते हैं, तो 155 से कम ही पड़ेगा। तो आज का ये रिव्यू यहीं ख़त्म होता है। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मैंने बोला था ना लाइक कर दीजिएगा, तो लाइक कर दीजिए, और नहीं अच्छा लगा है तो मत लाइक करिए, कोई बात नहीं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड रिमेंबर आई लव यू ऑल।